Hablo ya ropa direct. ठीक है जी, नेक्स्ट मूव। इंसर्ट एज लू दोनों को लिप्स के किनारे पे। ये शेप आती है लिप लाइन बदल, और नीचे की जो लिप लाइन है वो यहां से थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। बस इनको सिलेक्ट करो, आगे निकालो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, थोड़ा और आगे। और ये जो है दूसरा, इसको अंदर की तरफ धकेलो, इसे और बाहर की तरफ। इसको सिलेक्ट करें, इसको इसको और तो इससे क्या होगा, फाइल ये कर्व बन जाता है। नहीं गुड इनफ, ठीक नेक्स्ट। एक और इंसर्ट करेंगे आप, डेंचर्स होते हैं दांत, इसके उभरा हुआ होता है।
पॉलीगन सेलेक्ट कर दो। कंट्रोल ई, थोड़ा दो की तरफ ये जो स्ट्रिप ऐसे डिलीट कर देगा। ओके नेक्स्ट, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये ऊपर तक जाएगा। पहले थोड़ा सा जगह देने, मल्टी कट एंटर, एज इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस कर देखो किस तरह से होना चाहिए। आओ इसका डुप्लीकेट ले आता हूं,
ट्रॉली परसेंट मूव थोड़ा आगे निकल बस ये किनारा डिलीट करना है। चिन के साथ लोअर लिप की फील आती है। स्कर्टिंग स्मूथ जहाँ बीएड का इस्तेमाल होता है आपको वहाँ बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। रुई एनाटॉमी के हिसाब से आपको देखना है कहाँ पर ये लिप डेंट बन रहा है जो उसके नीचे होता है। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आ रहा तो स्कल्प करेंगे सर।
नेक्स्ट आइस पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐड ऑन होने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से देखेगा? तो यहाँ लगेगा ये बिल्कुल माथे से घूम जाएगा, एक यहाँ लगेगा ये बिल्कुल बैक साइड पे जाएगा। और जरूर ध्यान रखिए कि बैक साइड में बहुत ज्यादा जमाव वाला लग रहा है, जो लग गया अब इनको शफल करना पड़ेगा। और कहा देखिए एक यहाँ लगेगा ये बिल्कुल बैक साइड पे जाएगा, यहाँ हमारे पास काफी स्पेस है। एक यहाँ लगेगा ये बिल्कुल चीन के नीचे से जाएगा, ये लिप के तो जाएगा। अभी मैं राउंडेड करता हूँ और ज्यादा ठीक है। पहले ये जो यहाँ देख रहे हैं फ्लैट हो रहे हैं इसको ठीक करें कंट्रोल शिफ्ट स्लाइड के साथ, कंट्रोल शिफ्ट स्लाइड के साथ तो रिलैक्स हो जाता है, नुकसान छोड़ेंगे उसे दूर रखें। फरा जाएगा नीचे की तरफ देखने के लिए यहां से लेकर यहां पर कंट्रोल शिफ्ट नीचे खिसका है, ये भी खिसकेगा कंट्रोल शिफ्ट नीचे बस। अब यहां देख रहे हैं यहां थोड़ा गड़बड़ है, फ्लैट आ रहा है सब सिलेक्ट कर दीजिए। अभी माथे के भी वेरिएशन होती है वो बनानी हमने, माथा यहाँ से पिच का होगा ऐसे और यहाँ से उभरा हुआ होता है।
या फिर मैं प्लान कर रहा हूँ एक और लगाना था इसमें इंसर्ट मल्टी कट और मल्टी क्लिक के साथ भी ऐसे लगा सकते हैं एक साथ एक यहाँ चाहिए था मुझे अब ये क्यों चाहिए था वो समझते हैं फिल्टर आएगा ऐसे दबा हुआ था तो उसको वो फील लाने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ मेश चाहिए था से दबाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़े काम किया किसने कुछ कुछ भी इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी है आगे बढ़ता है जरूरत पड़ी है मुझे अभी बहुत फ्लैट था यहाँ पे कोई सेकंड नहीं था बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं छोड़ना इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन नेक्स्ट तो आइस अब शुरुआत करते हैं आइस के लिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ वर्टिसेस आ गए सेलेक्ट हो गया इसको स्केल करो इसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर दो इसे हल्का सा बस अब शिफ्ट के साथ स्केल करो मूव पीछे की तरफ धकेलो दूसरे फॉर्मेट पे भी ले सकते हो आगे की तरफ ऐसे इसे फिर स्केल करो और इस बार इसे पीछे ले लो तो जब आप इसे स्मूथ देखेंगे तो आपको ये ऐसा फोल्ड मिलेगा इसमें इसे थोड़ा और प्रोमिनेंट करना है देखें जरा ऐसे उम्र ही कभी नहीं होती आइस यहां से अंदर की तरफ करेंगे ये आई लाइन कहलाता है इसके ऊपर पलके रहती है हल्की हल्की किसके तोते उड़ रहे हैं
ये जो वेरिएशन आ रही है ये भी आनी चाहिए, ये अंदर की तरफ जाएगा थोड़ा सा स्कर्ट करेंगे इसे। नेक्स्ट अभी ये मैंने सिर्फ आउटलाइन उसका बनाया, धीरे धीरे डिटेल्स निकालना है। नेक्स्ट इंसर्ट एच लूप, ये दो एच का सर है सेलेक्ट करेंगे, इन्हें अंदर की तरफ रखेंगे। अभी जो टेस्ट चल रहा है उसमें एक कैरेक्टर का है और दूसरा एसेट्स और लक्ष्य से भी आए मॉनिटर का है, इनको यहाँ 3 दिन टेस्ट से रहे, खाना पीना वगैरह सब ये अपना अरेंज करके आए हैं सब। कोई अपना पीसी लेकर आने चाहता है लेकर आ सकता है, हमने छूट दी हुई है। बड़ी जासूसी करते हैं और लक्ष्य वाले हमेशा यही टेस्ट देते हैं, आप काम करेंगे तो मैं आपको ये टेस्ट फाइल दूंगा।
नेक्स्ट देखा धीरे धीरे फील आ रहा है इसको आगे भाई अरे कोई अपना स्टेटस दिखाना चाहता है बता बात करना चाहता है टाइम बहुत है सर मैं से कंटिन्यू करूं पूछने के लिए सर मैं तो ये पूछने का अभी कंटिन्यू करें आए ना हेलो हेलो यस सर अभी बोलो सर एक दो चीजें पूछनी थी मेरे को आपसे पूछो सर एक तो सर स्कल्टिंग टूल्स मैं अगर जब यूज कर रहा हूँ तो स्कल्टिंग टूल एक तो थोड़ा सा एक सर टूल्स के बारे में करें तो बता दें और दूसरा जैसे सेकंड वाला अगर जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मतलब वो बीच में से जैसे डुप्लीकेट वगैरह जो लिया हुआ है ना जैसे देखने के लिए मेरा करने के लिए तो अगर कुछ भी करो तो मतलब वो जो